किया कि शादी के लिए परेशान और हमारा लगातार कहलाते हैं तो लाख दे दिए उन्होंने कि नहीं। हाँ दे दिए। जय श्री श्याम। क्या समस्या? इलाज भी करा था उसका, यहाँ पर कैंसर था, लड़कियों का कैंसर है गले में, कैंसर और क्या नाम पहले सही नहीं रहती थी। आते हैं। मन नहीं मानता, मन के मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे बेटे जान दे। अच्छा सच में या फिर झूठ? हाँ लग रहा है, नहीं है। कृपा कितनी हुई अब? वो बहुत परेशान था, मतलब हार चुका था सही में, काम धंधा सब खत्म। मतलब कुछ ना कुछ होने ही वाला है, मुझे बाबा का तो मतलब काम हो चुका है। हाँ जी। क्या बात है, कितना मतलब कितने हाथ में से हो गया सही आपका? था तो मतलब आशीर्वाद से उनके। अभी महन जी ने क्या किया और क्या आपके साथ घटित हुआ थोड़ा बताया आपने? उन्होंने और मैं आऊँ, बच्चे मेरे साथ आए हैं, थाईलैंड जा रहा है। हाँ हाँ थाईलैंड जा रहा है। सारी दुनिया या मने बाज केड़ लग रही, निपुति कह के मन ताना देन लग रही, ताना देन लग रही। सारी दुनिया या मने बाज केड़ लग रही, निपुति कह के मन ताना देन लग रही। किसने यो दुख मैं सुनाऊ श्याम जी, किसने यो दुख मैं सुनाऊं श्याम जी। एक लाल दे दे, एक लाल दे दे, गोदी में खिलाऊं श्याम जी। एक लाल दे दे, गोदी में खिलाऊं श्याम जी। संतान नहीं इसलिए आ रहे हैं। संतान नहीं तो अभी गुरुजी ने मतलब गोद भरी आपकी, तो कैसा मतलब आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझको पूरा विश्वास है। श्री श्याम भाई, कितनी बार आप मनोरथा माँ जी? चौथी बार है हमारा। क्या बाबा ने प्यार आशीर्वाद दिया आपको? सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि हमारे संतान नहीं थे, अब बाबा के ही आशीर्वाद से इस समय हमारी मिसेज है वो प्रेग्नेंट है। क्या बात है यार, ये तो बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, बाबा हम पे असीम कृपा बनाए हुए हैं। जी जी, तो मतलब आपने अरदास लगाई थी यहाँ मनोरथ धाम? हाँ पहली बार आए थे तभी से ही हमने ये सोचा था कुछ मन्नत मांगेंगे और बाबा ने पूरी की। कितने सालों से संतान नहीं थी आप? करीब 6 वर्ष हो गए, 7 साल में। 6-7 साल हो गए शादी? जी जी। तो तब से मतलब ये पहली संतान है? जी जी, ये पहली संतान है, अभी प्रेग्नेंट है, अभी तो मतलब 1 मंथ रह गया है और बाकी आशीर्वाद। मनोरथ धाम से पहले आपने डॉक्टरों को दिखाया? हाँ डॉक्टरों से परामर्श लेते रहे लगातार और 5-6 वर्ष हो गए तब से ट्रीटमेंट करा ही रहे हैं। अब मनोरथ धाम आए, बाबा का प्यार आशीर्वाद पूरा मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है। क्या कहना चाहोगे मनोरथ धाम? हम तो यही कहना चाहेंगे जितने भी लोग हैं बाबा श्याम से जुड़े और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहाँ से आए बच्चे आप? ये मेरा बरेली जिला पड़ता है, तहसील नवाबगंज, गाँव मेरा खलोड़िया। बहुत बढ़िया भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। रोते आते हैं हंसते हुए चले। तो आप क्या कहना चाहोगे मनोरथ धाम के लिए? मैं तो जितना बड़ा कहना चाहूंगी कि जिस दिन से मैंने जन्म लिया है मेरी माँ ने भी इतना आराम नहीं दिया, तो गुरु जी ने दिया आराम। अच्छा हाँ, तो मतलब क्या ऐसी कृपा हुई है मनोरथ धाम की? थोड़ा सा एक तो मेरी बड़ी बेटी के पहले कोई खुशी नहीं हुई थी 10 साल में, अब यहाँ आने से बेटी भी है बेटी, और क्या कहते हैं छोटी वाली के 3 साल हो गए थे कोई बच्चा नहीं है, जब ही आई तो क्या कहते हैं आप खुशी, मैं नानी फिर बनने वाली हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरा मन नहीं चाहता जाने को, बता क्या करूँ मजबूरी है। बिल्कुल। हाँ। कितना प्यार मिला मुझे तो इतना मिला है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, 4 महीने हो गए थे तो वो लड़की ठीक नहीं थी मेरी जिसकी खुशी होने वाली है, तो मैं ये कहती थी बेटा मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मैं रोने लगी, मैं सही कह रही, मैं रोने लगी। क्या कहते हाँ मैंने कि मुझे चले जाने दे, मैं ना तो मर जाऊंगी। नहीं मतलब मन नहीं मानता आपका बिना? मन नहीं मानता, मन कि मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे बेटे जाने दे। अच्छा मैं गुरुजी को देख आऊं। जी मैं गुरुजी को देख आऊं। बहुत बढ़िया, तो ये तो आपका बहुत बड़ा प्यार बाबा के लिए और बाबा का आपको मिलता है? हाँ मुझे बाबा का प्यार मिलता है। और इतना प्यार देते हैं वो हद से ज्यादा। मैं देखो एक बात यह है दुनिया कोई कुछ कहे
हम तो गुरुजी के मुंह पे आते हैं, नजरों में उनके आते हैं, दुनिया कोई कुछ कहे हमारे पे कोई असर नहीं है। जिस दिन गुरुजी हमें चिल्लाएंगे डांटेंगे कम से कम गुरु जी चिल्लावे, हमें गुरु जी नहीं चिल्लाते, गुरु इतने बड़े बच्चे को भी सीने लगा लेते हैं और जवान को। एक बात ये, हर एक आदमी जैसे वो है, हर एक आदमी छुएगा भी नहीं मगर गुरु जी अपने सीने चिपका लेते हैं। मेरी बेटी का कोई खुशी हो जाएगी, दामाद अपने घर ले जाएंगे बेटी और मैं फिर आके ही रहूंगी। बहुत बढ़िया, बोलो हारे के सहारे की जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए आप? बरेली से। कितनी बार मनोरम आ चुके? हम लोगों को 10 से 11 बार हो गए। पहली बार आया था, बहुत परेशान था, मतलब हार चुका था सही में, काम धंधा सब खत्म, नौकरी की दुआ मांगी, शरीर हार्ट में। मेरे हस्बैंड की नौकरी हुई, मैंने यहाँ गांठ बांधी और 15 दिन के अंदर मुझे तो बहुत ज्यादा, मैंने लोगों को बहुत भेजा भी है कि आप वहीं जाओ, कहा है मैं सच्चे दिल से। जो हो सकता है वो भी हमने किया, जो इसके पास किराया नहीं है हम लोगों से मांगते थे, लेकिन अब हमने उनको दिया, बाबा की कृपा से सब खुश है। क्या बात है, बाबा ने मौज कर दी, मौज कर दी है। मैं तो खुश हूं, सुकून की चैन की रोटी खा रहे हैं बस हम लोग, हमारी रोटी की भी कमी थी, मतलब अब हम बहुत खुश है। अब हमारे लिए तो सिर्फ बाबा है और कुछ, पहले इनका पढ़ाई जय श्री, इनको फिट पड़ने वाली दिक्कत थी, सीने में भी दर्द था, अब इसको आराम भी मिल गया, आराम हुआ, पढ़ाई में भी अच्छी रह रही है, एक्सीलेंट आ रहा है पढ़ाई में, बस फर्स्ट आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप मनोना धाम के लिए? मनोना धाम एक सच्चा धाम है और जो नहीं भी आ सकता वो वहीं से मनोना धाम में अपने मन में मान ले, सब सही हो जाएगा, और आए और बाबा से हमारे जरूर मिले, गुरुजी से सब भला होगा। इलाहाबाद में एक मरीज थे, मैंने इलाहाबाद में ऑपरेशन हो रहा था उस बच्चे का, अपेंडिक्स का, मैंने उसके लिए जल यहाँ से भेजा था, 3 दिन के अंदर उसकी नलकी निकल गई वो जल पी के, और वो वहाँ पे खाना खाने को बोले वरना वो रो रहा था कि मुझे खाना खिलाओ, 5 साल का बच्चा था, और मैं इलाहाबाद तक जल भेजा है मैंने, और मुझे तो बहुत विश्वास है, ये तो लाइफ चमत्कार हुआ है, हकीकत है, लाइफ चमत्कार है। क्या कहना चाहोगी आप? बाबा की जय हो और मनोरा धाम की जय हो। कहाँ से आई आप? कानपुर। कहाँ से? कानपुर जी। कितनी बार मनोरा धाम आते हैं? तीसरी बार। तीसरी बार तो बाबा ने कुछ प्यार आशीर्वाद आपको दिया है? हाँ, आशीर्वाद भी दिया था और मेरा काम भी था उसके लिए भी बोला था, अभी मैं 8 दिन पहले आई थी तब महाराज जी बोले थे कि मतलब तुम्हारे घर पहुँचते ही वो काम हो जाएंगे, और वो काम ऐसा था जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुमकिन था, होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बस इन्होंने बोला था उसी आस को लेकर के हम घर पहुँचे थे, और 2 दिन बाद वो हुए हैं, तो आज हम 5-6 दिन बाद फिर से आए हैं। अच्छा, तो मतलब काम हो चुका है? हाँ जी। क्या बात है, तो बाबा का ये प्यार मिला है बहुत, और वो काम भी इतना बड़ा भैया था जिसका कोई वही नहीं है, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो चीजें होंगी, लेकिन फिर भी हो गए जी। बहुत सुंदर, क्या कहना चाहोगी आप? महाराज जी ऐसा ही आशीर्वाद हम पे भी बनाए रखे, सब पे बनाए रखे, जो भी आए निराश होके न जाए बस। बहुत बढ़िया, तो महंत सभी भक्तों को प्यार देना है यहाँ बहुत ज्यादा, महंत जी का भी है और श्याम बाबा का भी आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कितनी बार आप मनोना धाम आ चुके? मैं सिर्फ 4 बार आ चुकी हूँ। मुझे 4 बार आप मनोना धाम आई तो बाबा ने क्या प्यार आशीर्वाद दिया, महन जी की क्या कृपा हुई आप? महन जी की बहुत कृपा हुई मुझ पे, और आज समझ लो मैं अकेले आई हूँ अपनी बिटिया के साथ, मेरे साथ कोई जेंट्स नहीं है, और मेरे पैरों में गठिया भाई हो गया था तो मुझे बहुत आराम है। अच्छा, हाँ, क्या बात है, कितना मतलब कितने हाजिरी से हो गया सही आपका? ये दूसरी बार आई हूँ, पिछली बार आई थी तब गठिया भाई मेरे थी, अब मैं चल नहीं पा रही थी, अब काफी आराम है मुझे, बाद में ही बाबा ने कल्याण कर दिया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बाबा जी के लिए कहना चाहूंगी आज मैं बिल्कुल हिम्मत आ गई थी, आज भीड़ थी तब गई थी, लेकिन फिर भी मैं मुझे बाबा के दर्शन हो गए। ये मेरी बेटी है, इसको भी बहुत लाभ हुआ। क्या नाम है आपका? मुस्कान। कितनी बार आप मनोना धाम आते हैं? हम दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार जी। क्या बाबा ने प्यार आशीर्वाद दिया? मेरे भी मतलब कि सिर में दर्द वगैरह होता था, तो मतलब आशीर्वाद से उनके अब फायदा है मुझे। शिकायत थी इसको, कुछ ऊपरी शिकायत थी जी, जी। और सब जगह दिखाया, कहीं फायदा नहीं हुआ था, यहाँ आई थी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो गया। क्या बात है, तो ये भी बाबा ने प्यार दिया है? बहुत सुंदर, तो महंत ने आशीर्वाद दिया, जल दिया, उसी से बाबा की बहुत बहुत फायदा हुआ, हमको बहुत लाभ हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगी मनोना धाम? यही कहना चाह रहे हैं कि हम मतलब कि इनकी मतलब सभी लोग आए, सब लोग मतलब इनके दर्शन करें,
बहुत अच्छा लगेगा। मैंने प्यार दिया है आपको, बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आई हो आप? मैं अमरोहा से आई हूँ, मेरा नाम सविता है, अमरोहा से बिलोंग करती हूँ मैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर आना, मैं महीने में आ ही जाती हूँ एक दो बार। कितनी बार आ चुकी हैं आप मनोरथ? मैं कम से कम 7-8 बार आ चुकी हूँ। तो इतनी बार आप मनोरथ धाम आई तो क्या बाबा ने प्यार आशीर्वाद दिया? मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है, और आज तक मेरे साथ जो भी काम हुए हैं सारे बाबा की कृपा से बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, और आगे भी कुछ ना कुछ होने ही वाला है। मुझे बाबा का आज तो बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिला है। हाँ, मैं ये सोच जो सोच समझ के आई थी वो मुझे मिला है आज। अच्छा, हाँ। आप बता सकती हो क्या बाबा ने प्यार दिया आप? मुझे तो एक सुकून और शांति मिलती है, और मैंने देखा यहाँ पे इतने सारे चमत्कार होते हैं कि मैं देख के भूल ही नहीं समाप्ति। वैसे तो बाबा की बहुत कृपा मुझ पे बनी रहती है। जय हरे के चारे की। मिला है बाबा का पूरा जी, पूरा बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे की जय। मनोरथ धाम की बहन जी महाराज की जय। कितनी बार मनोरथ धाम आ चुकी? 4 बार। 4 बार। अभी क्या समस्या लेकर आई थी आप? हमारे यहाँ गाड़ती है। तो अभी मैं जी ने जैसे टच किया तो क्या लाभ हुआ? अभी तो नहीं दिख रही। गायब हो चुकी है? हाँ। सच में या फिर झूठ? हाँ, लग रहा है नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप मनोरथ धाम बाबा श्याम? हमें बहुत विश्वास है इनमें, भगवान हमारी सब सुनेंगे, पूरी करेंगे। मेरी दीदी की किडनी खराब है, वो भी ठीक हो रही है, लाभ है उन्हें। तो ये बताओ ये लाइव चमत्कार हुआ है आपके साथ? हाँ हाँ हुआ है। गांठ का एकदम से गायब हो जाना ये भी बाबा का बहुत बड़ा है। हाँ हाँ। क्या कहेंगे महन जी के लिए? बहुत कृपा है बाबा की इनके ऊपर, बहुत बड़ी। जय श्री श्याम। हाँ, यहाँ खड़े हो जाओ। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम जी। कहाँ से आए भैया आप? दिल्ली से आया था जी। दिल्ली से भैया, कितनी बार मनोरथ धाम आ चुके? छठी बार आया हूँ। छठी बार। क्या बाबा का प्यार आशीर्वाद मिला है, मनोरथ धाम की क्या कृपा मिली? जिंदा खाए ये बस क्या, बस मान लो डॉक्टरों ने मुझे मना करी किडनी की भी खराब थी कि भाई पब पैसे लाओ, किडनी बदलाओ, जब भी जगह तुम्हारा इलाज होगा। वो बाबा के पास आया और ठीक हो गया। मतलब किडनी में प्रॉब्लम थी आप? समस्या खत्म हो गई, किडनी में बीपी हाई वैसे। डॉक्टरों ने क्या बताया? मना कर दिया था। तो यहाँ मनोरथ धाम आने के बाद कृपा कितनी हुई आप? अब पूरी कृपा मानो, पूरी 100%। कितनी बार आ चुके मनोरथ धाम जी? 2 बार आ चुके। 2 बार कोई बाबा की कृपा हुई है अभी? जी बाबा कृपा हो रही है। कृपा हो रही है जी। कोई मनोकामना पूर्ति हुई है अभी आप? लड़कियों को कैंसर है गले में। तो कैंसर है किसको है? अच्छा अच्छा जी। तो मतलब 2 बार आप आ चुके हो तो थोड़ा बहुत लाभ लगा है आपको? हाँ, लाभ मिला है जी। जी अगर हम बात करें तो लगभग कितना परसेंट लाभ हो चुका कैंसर में? इनको कैंसर में 50% लाभ हुआ है। 50% लाभ हो गया है, क्या बात है यार। तो ये बाबा का लाइव चमत्कार है ये भी कि नहीं? जी है। आप 2 बार मनोरथ धाम आए हो, 50% का लाभ हुआ, तो बाबा का ये भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। हाँ, चमत्कार हुआ है। अच्छा, आपको है? कितना अच्छा महसूस कर रहा है पहले से? पहले से अभी तक दर्द नहीं करता है, अभी आराम है। पहले से आराम लगा है? हाँ। किस चीज में आराम है? मतलब गांठ में थोड़ी कम हुई है, क्या हुआ है? गांठ में कम हो गया और दर्द भी कम हुआ है। दर्द भी कम हुआ है, बहुत बढ़िया। तो आपने डॉक्टर को दिखाया था इससे पहले मरोना धाम से पहले? डॉक्टर की नहीं, बनारस में दिखाए थे डॉक्टर। बनारस में दिखाए जी। तो वहाँ से कितना लाभ हुआ था? वहाँ से भी कुछ लाभ हुआ था। अच्छा। तो हम यहाँ बाबा को सुने YouTube पर देखे तो हम यहाँ लेकर के आए। दवा इलाज चल रहा है सर अभी जी। तो YouTube पर जैसा दिखाया जाता है वैसा लग रहा है आपको धाम पर? जी हाँ, वैसा ही लग रहा है। कोई मतलब ऐसा तो नहीं कोई गलत वीडियो दिखाता हो या गलत चमत्कार दिखाता हो? नहीं, गलत। तो आपके साथ हुआ है तो बाबा की कृपा को आप महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बाबा की कृपा। हरे के सहारे के मैं गजबा से आया हूँ जी। क्या समस्या लेकर आए थे मरोना? मेरी छाती में गांठ थी। कितने समय से गांठ थी आप? लगभग 1-1.5 साल से गांठ थी। डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराया था आप? डॉक्टर से कुछ ट्रीटमेंट नहीं, पहली बार यहीं आया था, किसी ने बताया था कि वहाँ चले जाना। पहली बार मरोना धाम आया? हाँ। तो अभी महन जी ने क्या किया और क्या आपके साथ घटित हुआ थोड़ा बताया? उन्होंने छुआ और मैंने देखा तो गांठ 80% गायब है। अच्छा। तो ये भी बाबा का प्यार आशीर्वाद महन जी की कृपा है मरोना धाम?
हाँ। बाबा श्याम का प्यार मिला है आपको? हाँ। बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। हमारा 1,00,000 रुपए का बाइंड खो गया। अच्छा जी। 1 साल हो गया उसे ढूंढते ढूंढते। जी जी। बिटिया की शादी के लिए परेशान जी। और हमारा कल बैंड मिल गया। क्या बात है, मतलब वो बॉन्ड जो आपका था कितने लाख रुपए का? 1 लाख का। 1,00,000 रुपए का था। हम गरीब आदमी, 1,00,000 में शादी हो जाएगी। क्या बात है, तो बाबा लगातार कहलाते हैं तो लाख दे दी उन्होंने कि नहीं? हाँ, दे दी। मैं पहली बार आया, मेरे साथ का लड़का आया था एक बार, और बहुत चमत्कार बता रहा था। उसका यहाँ पर कैंसर था और वो ठीक हो गया भैया। हाँ, नोएडा से। अच्छा, आपके मतलब परिचित हैं? हाँ, परिचित है। उसने ही बताया मुझे जी, जी। वो ठीक हो गया, आप उसे आराम। ये तो लाइट चमत्कार हुआ है बाबा, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा चमत्कार है बाबा का, बहुत अच्छी कृपा है। इसीलिए हम भी साथ में आए बाबा के दर्शन करने के लिए भैया, कि हमारे दर्शन हो जाए। हम भाई आपकी मतलब कोई मनोकामना लेकर आए? मनोकामना है भैया कुछ जी, वैसे कुछ काम वाम सब चल जाए अपना। कितना मतलब कॉन्फिडेंस है मनोना धाम पर कि बाबा सुनेंगे? बाबा 100% धाम, बाबा पे 100% है कि काम हमारा होगा, वैसे होगा। बहुत बढ़िया भैया जी। बोलो श्याम प्यारे के जय। पत्री जैसे हमारी सास की पत्री है, इसे ठीक भाई है। अच्छा। हाँ, और देवर के गांठ है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो उन्हें और दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो पत्री में मतलब डॉक्टरों को दिखाया था आपने पहले? हाँ, डॉक्टर ने दिखाई तो उन्हें पत्री बताई, अब जब यहाँ से आए तो यहाँ गए। अच्छा। तो देवर को लेके आए, तो मतलब जल लिया था आपने? जल लिया था? हाँ, जल लिया, जल पिलाया तो ही सही हो। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं नहीं, अब कोई दिक्कत ना आए। अब देवर को दिक्कत है गांठ की वजह से। ऑपरेशन को लिटा दी मम्मी। अच्छा, वो ऑपरेशन बताया था? तो नहीं, ऑपरेशन को नहीं जी, ऑपरेशन इनके मुंह लगा। ऑपरेशन को मतलब क्या हुआ था? जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दे, जहाँ ले जा रहे तहाँ डॉक्टर ने बोल दे, तो फिर यहाँ लाए। अच्छा, अब यहाँ से तो बिना ऑपरेशन के अब स्वस्थ हैं? बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे के, यहाँ पता है हरदोई से? हरदोई से। कितनी बार मरोना धाम आ चुके? दूसरी बार आए। दूसरी बार। कोई बाबा का प्यार आशीर्वाद मिला है? बहुत कुछ मिला है। अच्छा जी, थोड़ा सा बताएं, बाबा का गुणगान होगा, लाखों लोग देखेंगे चैनल पे, तो क्या बाबा की कृपा आपके साथ? जो मैंने सोचा था कि कोई परेशानी है मतलब शरीर की, वो भी उससे भी लाभ मिला थोड़ा बहुत जी। और क्या नाम, जो पैदे दे तो फतेह बताए थे उसके बारे में भी मेरे को लाभ मिला है। तो बाबा का प्यार आशीर्वाद मिल गया आपको? जी, मेरे को बहुत कुछ मिला है। बहुत बढ़िया। श्याम प्यारे की जय हो, जय हो। आप कितनी बार आते? ये पहली बार। पहली बार कैसा लग रहा है मरोना धाम? बहुत अच्छा लग रहा है, आना चाहिए मरोना धाम लोग जी। आप भैया कहाँ से? आप बताओ। हम 6 बार आ चुके हैं। 6 बार आ गए? हाँ। 6 बार मरोना धाम भैया आए, तो क्या बाबा का सब प्यार आशीर्वाद? थोड़ा फायदा है भैया। अच्छा, थोड़ा बताए क्या बाबा ने कृपा की आप? बाबा कृपा बहुत बड़ी हम पर भैया। अच्छा, बहुत बड़ी कृपा बाबा कृपा बनी हम पर। सब पर मनोकामना पूरी करिए बाबा ने। हाँ भाई, बाबा है आँख ठीक हुई है, इनकी आँख की रोशनी सही है, इसकी कृपा है। और बाबा जी फर्क है भैया, आँख में फर्क है, पहले कम रोशनी नहीं पड़ती थी, अब रोशनी पड़ने लगी, अब मतलब सही हो गई है पहले। बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बाबा का प्यार मिल गया आपको? हाँ, हमें उसका पूरा प्यार मिल गया। बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे के, कहाँ से आयु आप? दिल्ली से। कितनी बार मनोना धाम आ चुकी? 4 बार। 4 बार आप मनोना धाम आई, तो बाबा का कोई प्यार आशीर्वाद मिला मनोना धाम? कोई मनोकामना पूरी हुई हो तो बताएं। हो गई, सही नहीं रहती थी, अब सही हूँ। सही नहीं रहती थी, अब सही हूँ फिलहाल। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब स्वास्थ्य में मतलब आप सही हो पहले से? हाँ, पहले से बैठा। बहुत बढ़िया। तो मनोना धाम का ये बाबा का प्यार मिला है आप? हाँ जी। बहुत सुंदर। बोलो श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, कहाँ से आयु आप? हम भी दिल्ली से आए भैया। आप 7 साल? अच्छा, कितनी बार आप आ चुकी हैं? हम तो 5 बार, 5वीं बार आए। 5वीं बार। क्या प्यार आशीर्वाद मिला आपको? है, आराम है, बच्चा है ना, इसको ये बोलता तो है नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे सुधार है। हाँ, बाबा पे वो है, तसल्ली वो है। हाँ, विश्वास है बाबा पे। जय श्री श्याम। क्या समस्या भैया? भैया जी, पिता 4 साल हो गई हैं। जी जी। 4 साल से डॉक्टरों ने इलाज भी करा, दवा भी आराम नहीं मिला। अब पहले से पहला आया यहाँ पर तो बहुत आराम हुआ, 50% बीपी जो झटका दे दिया, फिर आया आज मैं 4th बार लेकर आया हूँ। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वो दवाई काम नहीं करती है, उसे दवा खाने का परेशान बढ़ती है और रहने के लिए। Thank you.
बढ़ते रहो बढ़ते रहो। चलो चलो बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो भाई। गुरुजी कहाँ पर बैठते हैं? गुरुजी पीछे बैठेंगे पीछे।